एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग प्रिया आरना चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज प्रिया आरना चैनल में चिकन करी बनने वाला है, तो मैं सोची आप सबके साथ क्यों ना रेसिपी शेयर कर दूं। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहना, अब मैं रेसिपी दिखाती हूं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है चिकन की धुलाई, मतलब चिकन वॉश हो रहा है अच्छे से। ये जो है अब मैं ऑनियन कट करूंगी, इतना ऑनियन डालना है मुझे। चिकन जो है मैं मसाला को भिगो दूंगी कुछ देर के लिए। तो मैं सबसे पहले जीरा पाउडर डाल रही हूँ, जीरा पाउडर जो है आपका ये 2.5 चम्मच डाल दिए। और यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रहे हैं, धनिया पाउडर जो है 3 चम्मच के लगभग डाल दिए हैं। और ये मिर्च पाउडर है 1.5 चम्मच डाल दिए। उसके बाद जो है ये नमक, अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। और ये हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, और इसको हम जो है पानी में सोक करके रख देंगे, मसाला को भिगो देने से सही रहता है। ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसको जो है ढक के कुछ देर के लिए रख देंगे, तब तक आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो है प्याज कटिंग हो रहा है, ये आप देख सकते हैं सोनू प्याज कट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ खड़े मसाले हैं, तो मैं कुछ खड़े मसाले भी डालूंगी। ये गोल मिर्च है, इलायची और दालचीनी, बड़ी इलायची, और ये तेज पत्ता, और ये जातरी का फूल, सॉरी पता नहीं ये क्या है, मतलब कोई भी है, गरम मसाला का ही सामान है। और ये सूखी मिर्ची भी 3 डाल रहे हैं। और यहाँ पर हो चुका है मेरा कढ़ाई गरम, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। आपका प्रिया आरना देसी कुक जो है, एप्रोन वगैरह पहन ली हूँ मैं, अब मैं चिकन बना, देख सकते हैं तेल गरम हो गया है। और अब हम इसमें हींग डाल रहे हैं, हींग थोड़ी जल जाए, उसके बाद दालचीनी और 2 इलायची और ये गोल मिर्च। तो थोड़ी सी चलाएंगे, अब जो है इसमें प्याज डालेंगे। एक चम्मच साल्ट डाल देंगे क्योंकि एक समान प्याज का कलर होने के लिए। अब बस इसे चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में बस इसे चलाना है, हल्की ब्राउनिश हो जाने तक चलाना है। यहाँ देख सकते हैं कि प्याज का कलर हल्की हल्की चेंज होना शुरू हो गया है। तो प्याज को हम जो है चलाते रहेंगे कंटिन्यू, और ये प्याज का कलर जो है चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, 2 चम्मच डालेंगे बस, और इसको जो है अच्छे से चलाएंगे मिक्स करके। इसको भी जो है 5 मिनट चलाना है अच्छे से। पाँच मिनट तक चला लिए हैं हम, अब इसमें जो है चिकन डालेंगे। और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे चलाने के बाद अच्छे से फिर इसे कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। ये आप 5 मिनट बाद देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। फिर से इसे ढक के पकाएंगे 5 मिनट। और मैं फिर से चलाऊंगी, क्योंकि बार बार इसलिए चलाना पड़ रहा, नहीं तो ये चिपक सकता है, अंदर चिपक जाता है।
फिर से अच्छे से चलाने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी। और ये जो है कवर मैं ऐसे पकड़ ली, मेरा हाथ जल गया, तो आप सावधानी बरते। 15 मिनट हो गया और अच्छे से ये प्याज के साथ भुज गया है और प्याज भी गल गया है थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें जो मसाला हम भिगो के रखे थे अब वो डालेंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद जो है फिर इसको जो है ढक के पकाएंगे फिर वही 10-15 मिनट के लिए। हम ढक ढक के पका रहे हैं इसलिए कि पक भी जाए, क्योंकि मैं इसमें जो है ग्रेवी नहीं डालूंगी, ऐसे फ्राई रखूंगी, तो इसलिए मैं ढक ढक के पका रही हूँ। और इसमें अब जो है हम वो बाहर का जो मार्केट का मसाला होता है चिकन मसाला, थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें टेस्ट के लिए। यहाँ पर जो है 4 इलायची देंगे ऊपर से, इसको तब तक जो है इसको क्रश करवाना है, क्रश करके डालना है। ये जो मेरा फ़ोन इतना हिल रहा है इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद ही बना रही हूँ वीडियो और रेसिपी भी बना रही हूँ, तो इसीलिए। और ये इलायची डाल रहे हैं। चलो अब इसको ना फिर से चलाना है अच्छे से मिक्स करते हुए। मसाले डालने के बाद ना कंटिन्यू चलाना पड़ता है क्योंकि ये अधिक चिपकता है अंदर है इसीलिए। और ये आप देख सकते हैं कि चिकन पक भी गया है और फ्राई भी अच्छे से हो रहा है। फिर से मैं 5 मिनट ढकूंगी इसे। ये अच्छे से भुजा गया है, ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ड्राई चिकन बनी है। अब हम इसे खुले में 5 मिनट के लिए चलाएंगे। और ये जैसे थिक हो गया है, भुजा गया है ज़्यादा, तो इसीलिए ये चिपक रहा है बार बार, तो इसलिए बार बार जल्दी जल्दी हमको चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है दाल के लिए ये तड़का लगाएंगे। तो आपको अगर फुल रेसिपी चाहिए दाल की तो मुझे कमेंट करके बताना। और चिकन बनके है तैयार, आप सब देख सकते हैं। अब इसमें जो है धनिया का पत्ता डाल देंगे। फाइनली चिकन हो गई डन। अब हम इसको डाल देंगे और गैस को कर देंगे बंद। तो आप देख सकते हैं कि मेरा देसी स्टाइल चिकन बन गया है तैयार और ये मेरा देसी थाली बन गया है। और यहाँ पर सैलेड रखे हैं कुछ और 2 रोटी है मेरी और मैं अभी इसे लंच करूँगी। हे गाइस, होप करती हूँ आपको यह रेसिपी पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और इससे रिलेटिव आपको वीडियो चाहिए, रेसिपी के वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।